Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna share my skincare like self care routine with you guys. So मैंने क्या किया है like अभी currently मेरी night shift चल रही है तो मतलब ये मेरा morning time है तो मैं सो के उठी and मेरा face पूरा सूज गया था. So she is my cat actually, she is in heat right now और ये ऐसी सी आवाज़ें निकल रही है. सो मैंने अपने सर पे इन माय हेयर माय स्कैल्प आई हैव अप्लाइड कर्ड क्योंकि मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा बहुत ऑयली सा रहता है स्कैल्प और उसकी वजह से मैं बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करती हूँ. उसकी वजह से मेरे को डैंड्रफ सा हो गया था, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, जबकि मुझे कभी डैंड्रफ नहीं होता. आई डोंट नो, मैंने जगह भी चेंज करी है सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को सूट नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था. आई ट्राइड अप्लाइंग ऑयल, ऑयल से भी कुछ नहीं हुआ. मैंने डिफरेंट तरीके के तेल लगाया, पता नहीं आदिवासी तेल और पता नहीं क्या क्या तेल, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद देन आई अप्लाइड एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसे अप्लाई किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ. आई अप्लाइड एग, उससे भी कुछ नहीं हुआ. देन आई फाइनली आस्क्ड माय मम्मी कि मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, मैं क्या करूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दही लगानी चाहिए बिकॉज जैसे लस्सी लगाते हैं बट लस्सी है नहीं, तो मैंने दही अप्लाई किया. और दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई एम अप्लाइंग कर्ड, लाइक मैं हर वॉश से पहले दही लगा रही हूँ अपने सर पे एंड यू विल नॉट बिलीव मेरे सर में डैंड्रफ नहीं है. सो मैंने इसीलिए दही लगाया है एंड आई सजेस्ट अगर आप लोगों को भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई कर्ड ऑन योर स्कैल्प. मतलब नहाने से आधा घंटा या एक घंटा पहले आप लगा लो, बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है. अगर आप गर्मी वाली जगह पे रहते हो देन इट इज़ लाइक अ रिलैक्सेशन स्पा टाइप. एंड देन मेरा फेस के लिए मैंने अप्लाई किया था इससे पहले, आई मेड अ मिक्सचर ऑफ बेसन, हल्दी एंड लिटिल पिंच ऑफ चंदन एंड कर्ड इन इट. और मैंने फिर उसको अप्लाई किया था, 10 मिनट के लिए रखा. आई वॉश्ड इट ऑफ एंड देन आई हैव अप्लाइड कर्ड ऑन माय फेस ताकि उससे थोड़ा ठंडक मिले, थोड़ा मॉइस्चराइज बना रहे. एक्चुअली कल ही मैंने अपना फेस वैक्स करवाया, उसकी वजह से मेरे को दाने दाने से होने लग रहे हैं, तो इसीलिए यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अभी देन आई वॉश, आई टेक अ बाथ, इसके बाद आई विल गेट रेडी. आई विल शो यू हाउ टू गेट, हाउ आई गेट रेडी. मतलब आई हैव ऑलरेडी शेयर इट बट वैसे तो अब मेरा नाइट शिफ्ट में मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, ज़्यादा नॉर्मल से ठीक है. ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज दैट मैं अपने कमरे में पेंट कर रही हूँ. सो वो चल ही रहा है अभी भी. मतलब ये जो वॉल है पीछे आप देख सकते हो, इसका कलर वाइट था तो आई पेंट इट. मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल कैसा है. एंड वन मोर वॉल इज देयर विच जो कि हम पेंट कर रहे हैं अभी, कि कुछ इस तरीके से है. लाइक इसके पीछे पहले हमने कुछ और किया था बट वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत कलरफुल सा हो गया था. तो अभी उसको सेटल करने के लिए वी पेंट दिस पोर्शन, दिस स्क्वायर पोर्शन इनटू दिस ग्रीनिश सा कलर है, ऑलिव ग्रीन. एंड उसमें हमने ये फ्लावर्स बनाए, वो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं दोनों. कैन यू इमेजिन, आई एम एन आर्टिस्ट. और अभी उसमें हम लोग बेज कलर कर रहे हैं ताकि ये वाला जो पोर्शन है वो उभर के बाहर आए, ठीक है. एंड बाकी हम लोगों ने वहाँ पे उस वाले पोर्शन में इफ़ यू कैन सी ये वाला कुछ करा है. बाकी आपको मैं दिखाऊंगी सारा कैसा दिखता है. ये वाली वॉल है, आई शो यू कि भी पहले कैसा था और अभी कैसा है. लाइक वी आर चेंजिंग इट, ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड अभी आई डोंट वांट कि अभी हम इतना ज़्यादा स्पेंड करें कि कहीं पे मैं रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ, यू नो. अदर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू सी. सो अभी हम फिलहाल ऐसे ही कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है. आई विल शेयर दैट थिंग विद यू नाउ. आई एम गोना जस्ट गेट रेडी योर गाइस. सो
सो आफ्टर टेकिंग बाथ आई थॉट दैट आई शुड डू माई स्किन केयर एंड देन अ लिटिल मेकअप ऑन इट. सो आई विल अप्लाई माई सीरम. इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एक सीरम है जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो ये वही सीरम है. इसमें राइस वाटर है एंड दिस इज़ वेरी नाइस गाइस. यू नो जिसको भी पिंपल का प्रॉब्लम है वो सब ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी नाइस सीरम. इसको जेंटली अच्छे से मसाज करके, बहुत बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है, इसको नेक वगैरह में लगा दूँगी मैं हर जगह से. एंड उसके बाद आई अप्लाई वैसलीन. वैसलीन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लिप बाम रहता है. लाइक तुम वैसलीन मुंह पे लगा लो, हाथ पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, इट इज़ मल्टीटास्किंग. एंड देन दिस मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ आल्सो वेरी मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइज़र. एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी. मतलब रात का टाइम है नाइट शिफ्ट में, इसीलिए मैं ज़्यादा यू नो मतलब मॉइस्चराइज चीज़ें यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ रात में मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके सोती हूँ अपनी स्किन को. तो बेशक मेरी नाइट शिफ्ट है बट मेरी स्किन को, जो मेरी बॉडी को आदत है, वो सोने की और रिकवर करने की है. सो आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. देन आई विल अप्लाई अ लिटल बीबी क्रीम ओनली अंडर माय आई. इससे कुछ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी, बिकॉज़ मेरे मुंह पे, मैंने कल ही वैक्स करवाया था तो मेरे मुंह पे दाने से हो रहे हैं, तो मैं अपने मुंह पे नहीं लगाऊंगी उतना. मतलब जो बच्चा कुचा हाथ मार दूंगी, वैसे इससे कोई कवरेज तो वैसे भी नहीं मिलता है एनी केस, तो इट्स फाइन. सो हाथ से ही ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज़ यू नो ब्यूटी ब्लेंडर और ये सारी चीज़ें गंदी होती हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. Then I'll apply this blush जो कि ख़त्म होने वाला है. ये नो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ये लिपस्टिक थी जो मैं यूज़ नहीं करी थी, तो मैंने उसे एज अ ब्लश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. मतलब वो चल भी रही है यार अच्छे से, और मेरा ख़त्म भी होने वाला है वो. एंड जब भी मैं शिफ्ट से भी वापस आती हूँ, लाइक आफ्टर 9 आवर्स, मैंने गालों में ब्लश लगा होता है. सो आई डोंट थिंक देर इज़ अ नीड ऑफ ब्लश इफ़ यू हैव अ गुड लिपस्टिक, तो आप उसको भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो और स्किन पे कोई हार्म नहीं होता है, ट्रस्ट मी. आफ्टर दैट यू नो यू विल सी द डिफरेंस आफ्टरवर्ड्स, कि क्या डिफरेंस होता है अगर आप कॉम्पैक्ट लगाते हो. लाइक उससे आपका ऑयल जितना भी है, जितना भी ये इतना शाइनी शाइनी दिख रहा है, वो सारा दब जाएगा थोड़े टाइम में. मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो ऐसा सुखा देता है मुँह को, कुछ भी कर देता है. इट्स जस्ट वेरी नाइस थिंग. आप दोनों साइड से फ़र्क देख ही सकते हो, थोड़ा मैट फिनिश लुक दे देता है. मतलब उतना भी मैट नहीं, दैट शाइन स्टिल स्टेज, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छा लगता है. मुझे तो अच्छा लगता है, आई डोंट नो आपको अच्छा लगता है कि नहीं. थोड़ा सा लाइट का फ़र्क है यहाँ पे, लाइक लाइट इज नॉट दैट मच, सो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शेड्स दिख रहे हैं नेक में, अंडर आई के उसमें, बट इट्स फाइन. मैं उसमें बोल रही हूँ, पर मैंने इसीलिए इसको वो करा है फिर से. आई एम सेइंग बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे कूलर चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी. मतलब मेरी कम आवाज़ आ रही थी और नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी. एंड आईब्रोज़ बनाने के बाद आईब्रोज़ को लाइक हाईलाइट करना इज़ सो ईज़ी. मतलब मैंने थ्रेडिंग करवाया था उसके ऊपर, बस मैंने लेफ्ट ओवर जो मस्कारा होता है वो लगाया. एंड देखो एक बार ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से प्रोफेशनली अपनी आईब्रोज़ को करवाया है, जो कि नहीं हो रखा है. देन आई कर्ल माय लैशेस. मतलब आई लैश कर्लर होना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अप्लाइंग अ मस्कारा एंड अप्लाइंग अ मस्कारा आफ्टर कर्लिंग योर लैश, ये दो टू डिफरेंट लुक्स हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपको ना आपकी लेंथ थोड़ा ऊपर को चल जाता है और वो जो आपकी लैशेज है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है. तो आप बहुत हल्का सा भी मस्कारा लगाओगे वो भी चलेगा. इसीलिए अगर किसी को मस्कारा लगाना पसंद है तो हमेशा आईलैश कर्लर से अपने आईलैश कर्ल करने के बाद ही मस्कारा लगाओ. दैट आई विल सजेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ काजल एंड आईलाइनर. तो मैं मस्कारा से ही काम चलाती हूँ. तो आई नो यू नो आई एम अप्लाइंग मस्कारा सिंस आई डोंट नो पास्ट 3 to 4 years. एंड अब मेरी आँखों को भी आदत हो गई है. मैं सोच रही हूँ फेक लैशेज लगवाऊँ, पर मुझे डर लगता है कि फेक लैशेज लगवा के कहीं मेरा लैशेज झड़ ना जाए.
सो अगर किसी ने करवाया तो मुझे बताओगे फेक लैशेस लगवा के कैसा होता है, बिकॉज़ मेरी बहुत फटती है इन सब चीज़ों के लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा करवाने का मन है ये नेल आर्ट एंड नेल एक्सटेंशंस, टैटू बनवाने का, पर मुझे बहुत डर लगता है। सब देख सकते हो मस्कारा लगाने से कितना ज़्यादा डिफरेंट आ गया, और यहीं पे मेरा लुक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आई जस्ट हैव टू अप्लाई वन लिटल लिपस्टिक और बस हो जाएगा। अपने बाल खोल लूँ, यू नो दही लगाने के बाद डैंड्रफ बिल्कुल चला जाता है, ट्रस्ट मी गाइस। सो नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट व्हिच इज लिपस्टिक, और डेफिनेटली इन्वेस्ट इन वन लिपस्टिक जो कि बहुत अच्छी हो, लाइक स्टफ जो उसका टेक्सचर होता है उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो। एंड आई एम रेडी, आई एम जस्ट गोना गो एंड कॉम माय हेयर। सो दिस इज माय आउटफिट, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके वैसे भी यूनिफॉर्म पहननी होती है तो कुछ भी पहन लो, यू नो पजामा, सॉरी जेसी। सो आई एम वेयरिंग वन पजामा प्लस कोई भी ब्लैक सा कुछ भी पहन लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे जाके वैसे भी चेंज करना होता है। सो शी इज जेसी गाइस, जेसी से हाय। हाय, एक्चुअली शी इज इन हीट राइट नाउ, सो इसको मैं थोड़ा पैम्पर कर दूँ, इसे किस्सी दे देती हूँ, है ना। सो दैट्स ऑल, अभी मैं जाती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल।